बेचारा ऐसी भीषण ठंड में या किस अवस्था में पड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु संभव है मैं सहायता करने जाऊं और स्वयं ही संकट में पड़ जाऊं। ऐसे निर्जन सुनसान वन में कोई यहां मरने क्यों आएगा भला? हो सकता है राह चलते यात्रियों को लूटने का जाल बिछाया हो डाकुओं ने। दया करने जाऊं और स्वयं ही दया का पात्र बन जाऊं। ना बाबा, मैं नहीं फंसने वाला। मूर्ख, किस भय से भाग रहा है? मानवता के धर्म को भूल गया? किंतु मैं लूट लिया गया तो? वो मनुष्य क्या जो संकट में पड़े मनुष्य की सहायता न करे? मानवता के नाते उस मनुष्य के पास जा और उस असहाय की सहायता कर। ओ भाई, कौन हो तुम और यहां ऐसी दशा में क्यों पड़े हो? ईश्वर का दिया दंड भोग रहा हूं। किंतु ऐसी भीषण ठंड में तो तुम मर जाओगे, जाना कहां है? कहां जाऊंगा, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। क्या करूं मैं इसका? यदि मैं इसे यहां इसी अवस्था में छोड़ देता हूं तो ये मर जाएगा। मैं इसे साथ ले चलता हूं, जो होगा देखा जाएगा। भाई, ओ भाई, तुम मेरे घर चलोगे? हाँ, अच्छा। लो भाई, उठो। अरे भाई, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। भूतनाथ। भूतनाथ, तुम गाड़ी के पीछे खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। अरे, आ गए आप? इतनी देर कहाँ लगा दी? ऐसे हार कपाने वाली सर्दी में जो जो आपको देर होने लगी, मेरे तो प्राण सूख रहे थे। ईश्वर की कृपा है, आप सकुशल लौट आए। चलिए अंदर चलिए।
अरे आपने जो लोही ओढ़ रखी थी कहाँ है? हे राम, फिर से खो दी क्या? चुप करो भगवान, तुम्हारी लोही कहीं नहीं खोई है, वो यहीं है। कहाँ है? आ मेरे साथ। अरे सुनो भाई, कौन है ये और इसने आपकी लोही क्यों ओढ़ रखी है? जानकी, कोई बहुत ही दरिद्र जान पड़ता है, वो जंगल के पास खुले में ठिठुर रहा था। देखो तनिक इसकी दशा तो देखो, भला ऐसे मौसम में मैं इसे अकेला कैसे छोड़ देता? रात भर में तो इसके प्राण ही निकल जाते। वैसे भी इसे देखकर तो लगता है कि कई दिनों से खाना भी नहीं खाया इस बेचारे ने। आपने मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है? जो कोई भी राह चलते को उठा लाए और मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी? जानकी, बस आज रात की तो बात है जानकी, हमारे साथ जो कुछ भी रूखा सूखा है वो खा लेगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। वैसे भी जानकी, घर आया अतिथि भगवान का रूप होता है और अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। मुझे मेरा धर्म मालूम है और वैसे भी आज तक आपकी इच्छा के आगे मेरी तो कुछ चली नहीं। चलो भाई अंदर आओ। अरे चलो भाई अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक गाड़ी से लकड़ी उतार कर आता हूँ। आप कैसा लग रहा है? अच्छा ये बताओ, तुम उस सुनसान जंगल में इस अवस्था में पहुंचे कैसे? ईश्वर का दिया दंड भोग रहा हूं। अरे भाई दंड तो हम सभी भोग रहे हैं, किंतु जिस अवस्था में तुम वहां पड़े थे लगता था जैसे स्वेच्छा पूर्वक तुम अपने प्राणों को त्यागने के लिए आतुर थे, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ तुम कहां के रहने वाले हो? बहुत दूर। बहुत दूर? क्या तुम्हारे परिवार वालों को पता है कि तुम इस समय कहां हो? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई इतने बड़े संसार में तुम्हारा कोई तो होगा। ये क्या बोलेगा, वैसे भी अभागों का इस संसार में कोई नहीं होता। क्यों भाई, घर वालों से झगड़ा करके आए हो क्या? भगवान, बेचारे को पहले खाना तो खा लेने दो, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते। भूतनाथ खाना खा लो।
अरे भाई अभी तक तुम गए नहीं। कहाँ जाऊं? कहीं भी जाओ। कल मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारी दशा ठीक नहीं थी, मौसम भी ठीक नहीं था, किंतु अब तो दिन भी निकल आया है। अब जाओ अपने घर। घर? पर मेरा तो कोई घर नहीं। तो कहीं भी जाओ किंतु यहां नहीं रह सकते। क्यों मेरे पीछे लगे हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ अगर तुम्हारा काम चल सके तो मैं तुम्हें कुछ मुद्राएं अवश्य दे सकता हूं। अब मैं इसका क्या करूं? अगर मैं हट करके इसे यहां से जाने के लिए कहता हूं तो इसकी पुरानी वाली दशा ना हो जाए, और अगर मैं इसे यहां रख लूं तो अच्छा। ये बताओ तुम्हें बढ़ई का काम आता है? मुझे तो कोई काम नहीं आता। किंतु सीख तो सकते हो, लगन से कोई भी काम किया जाए तो मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। देखो भूतनाथ, यदि तुम काम ध्यान से सीखोगे तो किसी को कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां काम करने और रहने देता हूं, ठीक है? आपके कहने से क्या होता है? एक निकट को द्वार पर बांध रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, सोचा है आपने? तुम तो ऐसे विचलित हो जाती हो भगवान। बिना आश्रय के है बेचारा, संसार में उसका कोई नहीं है। तुम्हारे द्वारे पड़ा रहेगा तो अब आगे के दिन कट जाएंगे, बस और क्या। ऐसा ही एक अभागा पिछले साल भी पकड़ कर लाए थे आप, याद है ना? सब कुछ चोरी करके भाग गया वो। मैं पूछती हूँ अगर ये भी वैसा ही निकला तो? भगवान सब लोग एक जैसे नहीं होते, और फिर एक व्यक्ति के दोषी होने का अर्थ ये नहीं होता कि सारा संसार ही दोषी है। सबको एक लाठी से नहीं आंका जा सकता। सारी दुनिया का ठेका क्या हमने लिया है? अपनी परिस्थिति का आभास नहीं है आपको? ऊपर से उस मुसंडे का पेट कैसे पालेंगे आप? भगवान पालने वाला तो वो है ऊपर वाला, और वो कोई ऐसी बेकार थोड़ी बैठने वाला है। काम में मेरा हाथ बटाएगा, मैंने उससे बात कर ली है। अरे वो मिट्टी का माधव आपकी क्या सहायता करेगा? उसका मुंह तक नहीं खुलता, हाथ पांव क्या हिलाएगा वो? आभूतनाथ, बैठो। उतना इसे हथौड़ी कहते हैं, और ये है फरसा, और ये रंदा, इससे लकड़ी को छीलते हैं, और इसे आरी कहते हैं, इससे लकड़ी काटते हैं। देखो इस तरीके से ये
क्यों रे जमुना, कब आएगी मेरे घर अंगना चुटकी बजा के? तेरा मेरा मिलन इस जन्म में हो, ऐसी स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लगता है सारा जीवन दूध मक्खन बेचकर ही काटना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो जमुना? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नौ मन तेल से मेरे ब्याह का क्या लेना देना? तेरा बड़ाई का काम जमे, ऐसी स्थिति तो दूर दूर तक नहीं है। और जब तक तू अच्छे से काम नहीं करता, मैं ना जाती तेरे घर दुल्हन बन के। अरे बिजुरिया, ईश्वर ने चाहा तो मेरा काम यथा शीघ्र शुरू हो जाएगा। भला कैसे, तनिक मैं भी तो सुनूं। ओ माना बड़ाई है ना, उसके यहाँ एक नया कारीगर आया है। अच्छा, तो तुम उसको उड़ा ले जाने की जुगत में हो। तभी मैं कहूँ कि तू क्यों इतना ध्यान देता है उस मानव बड़ाई के यहाँ। अरे प्रेम में मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता है। अगर मेरा काम चल पड़ा तो ब्याह कर लेगी ना मुझसे? देख कोई नई शर्त मत रख देना। इस बावली की डोर तो तेरे ही घर तक जाती है, पहले तू कुछ काम तो करके दिखा। काम का क्या है, काम तो हो जाएगा चुटकी बजा के। श्रीमान आप? बहुत नाम सुना है तुम्हारा। ये सभी मूर्तियां तुमने बनाई हैं? जी हाँ, मैंने और मेरे सहयोगी भूतनाथ ने। सुंदर, अति सुंदर, हमें यही मूर्ति चाहिए। क्या मूल्य होगा इसका? श्रीमान आपको इसका मूल्य बताकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, आप जो भी उचित समझे दे दीजिएगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं उचित होंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं? तेरी ऐसी कृपा बनी रहे। गोमती जी, स्वामी आते ही होंगे, भोजन की व्यवस्था करो। जानकी, ये लो भगवान। क्या है? स्वयं देख लो, बैठो। सुंदर, कितने के हैं? तुम फल खाओ जानकी, भीड़ क्यों गिन रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे दिन ऐसे फिरेंगे। लगता था दो जून रोटी जुटाने में ही सारा जीवन बीत जाएगा। जानकी, ये सब भूतनाथ के कारण ही संभव हो पाया है। यदि हमने उस दरिद्र नारायण को हमारे यहाँ शरण नहीं दी होती तो ईश्वर भी हमें ये फल नहीं देता। सच है स्वामी, हमारी उन्नति में उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अज्ञानवश उसके विषय में क्या क्या कह डाला। हे प्रभु, मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो जानकी। अरे तुमने तो उसे आसरा दिया, भोजन दिया, यही तो मानवता की सेवा कहलाती है।
कहते ना कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो निस्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं। जमुना, इन पर क्रोध क्यों निकाल रही हो मेरी रानी? मैं अभागन किस पर क्रोध निकाल सकती हूँ? मैं तो अपने फूटे भाग को कोस रही हूँ। अरे भाग तो फूटे उस पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल के, तुम स्वयं को क्यों कोसती हो मेरी मलाई? तो क्या करूँ, तुमने कहा था कि शीघ्र ही तुम कुछ काम करोगे, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो गया कि इस जन्म में मेरा ब्याह होने से रहा। दुखी मत हो जमुना, ईश्वर ने चाहा तो। ईश्वर को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं, काम तुम ना करो, सारा सारा दिन गांव में मटल गस्ती करो, और जब जीवन सुधारने की बात आए तो सब कुछ ईश्वर भरोसे छोड़ दो। काश मैंने तुमसे प्रीत न की होती तो अब तक मेरी डोली कब की उड़ गई होती। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा चक्रधारी, चुटकी बजा के। अरे कोई है? ओ मानव भैया, ओ भूतनाथ, कहां चले गए सब? ओ भूतनाथ, कहां है? अरे बाप, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे चुटकी बजा के, आसमान से टपके या धरती से निकले। अरे भाई सार्थक है नाम तुम्हारा, भूतनाथ। भूत की तरह कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हो। अच्छा भाई भूतनाथ, एक बात बताओ, कितना कमा लेते हो? नहीं माने ये कि कितना मिल जाता है तुम्हें यहाँ? ऐसे तो नहीं कि शादी मलाई वो मानव चंद्र स्वयं ही खा लेता है और तुम बस यहाँ यूं ही चुटकी बजा रहे हो? देखो भाई भूतनाथ, तुम मुझे अपना मित्र ही समझो, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। वो मानव चंद्र तो तुम्हारा शोषण कर रहा है, शोषण, व्यर्थ ही में तुम जैसे गुणी व्यक्ति का जीवन यहाँ नष्ट हो रहा है। अरे भूतनाथ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो। ये मानव चंद्र तो एकदम कपटी और मक्कार मनुष्य है, तुम मेरे साथ काम करोगे तो बहुत ही आनंदित रहोगे। क्या कहते हो? अरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं चुटकी बजा के? हैं? आप ही का नाम मानव चंद्र बड़ई है? जी हाँ श्रीमान, मैं ही हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बड़ी चर्चा सुनी है आपके नाम की, सुना है कि आप कुशल और योग्य कारीगर हैं। आपकी उंगलियों के जादू से लकड़ी की मूर्तियां भी बोलने लगती हैं। श्रीमान, ये तो आपकी महानता है जो आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, मैं तो बस काम करता हूँ, अंततः सब ईश्वर की कृपा है। आपकी इस विनम्रता से हम बहुत प्रसन्न हुए। देखिए मानव चंद्र जी, हम कुछ चंदन की लकड़ी लाए, आप उस लकड़ी से हमारे लिए एक सुंदर पलंग निर्मित कर दीजिए। यदि वो पलंग हमें पसंद आ जाता है तो हम आपको मुंह मांगा पारितोषिक देंगे, और यदि वो पलंग हमें पसंद नहीं आता है तो हम आपकी गर्दन कटवा देंगे।
ठीक है श्रीमान, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इस चंदन की लकड़ी से आपके लिए एक सुंदर सा पलंग बना दूंगा। मानव चंद्र जी, आज से ठीक 10 दिन के पश्चात हम पुनः आएंगे, तब तक हमारा ये पलंग निर्मित हो जाना चाहिए।